ओह माय गॉड दिस इज माय चश्मा अंदर चल रहा राजकुमार भाई का छुट्टा और हमारे 125 से तुमसे पीछे रह जाएंगे। जो भैया ड्राइव कर रहे थे वो कह रहे थे थोड़ी गाड़ी खटखट खट कर रही है और लगे मैंने पहले हेलमेट। गुड मॉर्निंग एवरीवन और आज हम चल दिए अपने नया ब्लॉग बनाने के लिए और हमारे साथ है अल्टीमेट सुनील भाई। ओह माय गॉड दिस इज माय चश्मा। हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं यार, हम तो अलग है अलग अलग यार वहाँ तुम दोनों का याद कर रहे हैं। भाई तुम कह रहे हो हमारे 125 से तुमसे पीछे रह जाएंगे हम, गलत सोच। और आज हमारे साथ है अल्टीमेट सुनील भाई और साथ में हमारे RDH ब्लॉग, बहुत जबरदस्त ब्लॉग बनाते हैं ये और 58,000 सब्सक्राइबर हैं इनके, 60,000 सब्सक्राइबर हैं। टुडे आई एम गोइंग टू ए स्पेशल प्लेस या कह दीजिए कि माय ड्रीम प्लेस और हम जा रहे हैं आज दीवा के लिए और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। और लक्की भाई के रखते हुए तमंचा देखिए खतरनाक वाला। और दोस्तों प्रोग्राम तो हम आज बहुत लोगों का था बट आज एस थ्री के ब्लॉग वाले और हमारे कमल भाई नहीं आ पाए, रात तो बोल रहे थे आने के लिए, सुबह पता नहीं क्या हुआ उनका, कुछ अचानक से प्रोग्राम कैंसिल हो गया। बट जो भी है तो दोस्तों हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे चाय और समोसा, हम चल दिए आगे मंदिर के लिए। हम जा रहे हैं दीवा देवी टेम्पल। दिस इज़ माई फर्स्ट लॉन्ग ब्लॉग और मुझे बहुत ही आई एम सो एक्साइटेड कि मैं आज इतना लंबा राइड कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, लक्की भाई हैं, सुनील भाई हैं, राजकुमार भाई हैं, मज़ा आ रहा है इनके साथ। और दोस्तों अभी हम यहाँ पर रुक गए हैं, लक्की भाई की गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, जो भैया ड्राइव कर रहे थे वो कह रहे थे थोड़ी गाड़ी खटखट खट कर रही है तो हो सकता है चैन ही लियो। और यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया दोस्तों। आगे की साइड में बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है अभी तो, हमने शुरुआत की है, चलते हैं आगे की साइड में। और सुनील भाई को थोड़ी ठंड सी लग रही थी इसलिए उन्होंने यहाँ पर पहन लिया है। और लक्की भाई की एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई है, लक्की भाई थोड़ी अपने यहाँ पे एनर्जी लेते हुए अंदर चल रहा है राजकुमार भाई का सुट्टा। राजकुमार भाई अभी ये पूरी फुल फॉर्म में है और हम पहुँच गए मरचूला और यहाँ से अभी धुमाकोट 36 किलोमीटर एंड देन उसके आगे अभी 1.5 घंटे का रास्ता अभी और चलना है। और ये लक्की भाई की एनर्जी ड्रिंक, ये आपको लग रहा होगा इसके कुछ अंदर खाने का लेकिन ये इसके अंदर पीने का है। और दोस्तों हम रुके थे यहाँ पे मरचूला में और हमने यहाँ से भी कुछ हल्का फुल्का खाना कुछ खाया है, थोड़ी सी भूख टाइप की लगी थी और थोड़े से हल्का सा अपने ग्रुपों को चार्ज किया और अब चलते हैं आगे की साइड में। अब यहाँ से 36 किलोमीटर रह गया है धुमाकोट और आगे शूट करते हैं। और हमारे लक्की भाई बहुत खतरनाक वाला मामला है। और लक्की भाई ने पहन लिया हेलमेट सर, ये नहीं है बीच में, हाँ कुमार भाई के लग गई डुकास और ये पी रहा है पानी। और दोस्तों देखिए नीचे की साइड में बहुत गहरी खाई है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इतना ठंडा है मस्त एकदम। और हमारे सुनील भाई और RDH ब्लॉगर हमारे आगे निकल गए हैं और सुनील भाई हमारे पीछे आते हुए साथ कैमरे की सेटिंग कर रहे हैं कुछ। और ज़बरदस्त वीडियो आज की, ज़बरदस्त ब्लॉग है दोस्तों। हम एक्चुअल क्या घूमने के लिए आए थे आज, हमने सोचा साथ साथ में वीडियो शूट किया जाए। एक्चुअल क्या हमारा प्रोग्राम था दीवा टेम्पल का, बहुत दिनों से हमारा प्रोग्राम था, जैसे कि हमने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग शूट करने जाने वाले हैं दीवा टेम्पल। और आज हमारा प्रोग्राम एक्चुअल में बन गया है और आज है संडे और दिन के बज रहे हैं 9 और आज शॉप क्लोज है। आज घूमने का, आज हमने सोचा कि आज राइड किया जाए, लक्की भाई मेरे साथ हैं। और देखिए दोस्तों क्या लोकेशन है, क्या मस्त लोकेशन है।
इधर खाई है, इधर ऊंचा है, अजीब सा ही दृश्य होता है पहाड़ों का। यही तो लोकेशन होती है, इसी को तो देखने में मज़ा आता है। इधर के साइड में इतनी गहरी खाई है कि अगर बंदा नीचे गिर जाए तो शायद हड्डियाँ भी हाथ ना आए, और बहुत ही केयरफुली यहाँ पे बाइक चलानी पड़ती है। रोड बहुत अच्छा है, बट अभी पीछे सिंगल वे रोड था और इसमें तो खैर ये डबल वे रोड है, आराम से दो वाहन एक साथ चल सकते हैं, मज़ा आ रहा है। और दोस्तों जैसा कि राजकुमार भाई अभी पीछे बहुत पीछे रह गए हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी गाड़ी स्लो करनी पड़ रही है। यार लक्की भाई, दिस इज अ घंटी मैन। और जैसा कि अभी लक्की भाई का जो दस्ताना था वो रास्ते में कहीं गिरा के आ गए थे, और पीछे से राजकुमार भाई आ रहे थे तो उन्होंने दस्ताना उठा के दिया, और लक्की भाई अपने दस्ताने भी भूल गए पीछे। कोई होश नहीं है, कहाँ है, कोई ठिकाना ही नहीं है, पता नहीं पीछे बैठे भी हैं नहीं बैठे, कुछ पता नहीं चल रहा है। सामान गिरा रहे हैं, कभी कुछ गिरा दे रहे हैं, कभी कुछ गिरा दे रहे हैं। पीछे से राजकुमार भाई ने ला के दस्ताना उठा के अभी लक्की भाई के हाथ में दिया, और भी पता नहीं क्या क्या गिराया होगा। लक्की भाई फोन है जब मैं लक्की भाई का अंडरवेयर भी पीछे गिर गया है। और हम आगे पहुंचने वाले, अभी हम आगे जाके थोड़ा सा स्टॉप लेंगे, और कोई मिसैली थेड़ ऐसी कुछ है, कुछ नाम है, नाम भी दोस्तों पहाड़ों के नाम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, ले एकदम से बंदा ले नहीं सकता है। और पीछे हमारे आ रहे हैं अल्टीमेट सुनील भाई भी, और आगे चल के हम थोड़ा सा रुकेंगे। राजकुमार भाई पीछे रह गए थे काफ़ी, बट इन्होंने काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाई है और हम लोगों को इन्होंने क्रॉस कर दिया है। ड्राइवर चेंज हुआ है इनका, पहले राजकुमार भाई ड्राइव कर रहे थे, अब कोई और भैया ड्राइव कर रहे हैं। और दोस्तों अभी हो गई थी एक छोटी सी कॉमेडी। एक्चुअल क्या होता है, एक बस आगे से आ रही थी और उसमें से एक बंदा बाहर की साइड को निकल के शीशे से उल्टी कर रहा था, और उसके जस्ट बिल्कुल किनारे से हमारे अल्टीमेट सुनील भाई जा रहे थे, जिनको ऊपर उल्टी गिर गई है और वो साफ कर रहा है। मज़ा आया यार, मैं उस मूवमेंट का रिकॉर्ड नहीं करवाया, बट आप खुद अंदाजा लगा रहे हो कि क्या मूवमेंट रहा होगा वो। मज़ा आ गया, जबरदस्त। और दोस्तों बहुत ही तीखे मोड़ होते हैं आगे, और हमारी एक 125 सीसी है और वो आगे 160 सीसी है। एक्चुअल क्या था उसमें, और हमारी बाइक में थोड़ा सा फर्क ये है कि वो एकदम से क्रॉस कर जाती है, बट हमारी बाइक में क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सब आपको पता ही है इंजन का थोड़ा फर्क होता है, बट जो भी है लेकिन बाइक हमारी ऑसम है, चुम्मा है, चुम्मा एकदम। मज़ा आ गया, उल्टी साफ कर रहे हैं अपनी। और अभी हमें इधर गुड़िया ने बताया था कि रास्ता ऊपर जा रहा है, बट हम नीचे जा रहे हैं धुमाकोट कुछ खाने के लिए, और हमारे साथ के सारे लड़के ये रुके हुए हैं, और हम वापस अभी लौट के आएंगे क्योंकि हमें जाना है दीवा, और ऊपर खाने पीने का बंदोबस्त है नहीं, इसलिए हम धुमाकोट जा रहे हैं कुछ जलपान करने के लिए। और हमारे राजकुमार भाई भी यहाँ पर रुक गए हैं। चलो A few moments later. और दोस्तों हम पहुंच गए धुमाकोट, और हमें लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, इसलिए हम यहाँ पर रुक गए हैं। ये यहाँ के धुमाकोट की मेन मार्केट है, और अभी हमें जस्ट यहाँ से ऊपर जाना है क्योंकि दीवा के लिए रास्ता ऊपर जाना है। हम यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं, देखते हैं कुछ खाने पीने का लेते हैं यहाँ से, थोड़े फल फ्रूट केले वगैरह भी लेंगे, क्योंकि आगे सुना है आगे दीवा में जाके कुछ खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए यहीं से बंदोबस्त करके चलेंगे अपने। हमारे सारे दोस्त लक्की भाई हैं। और दोस्तों अभी हमने धुमाकोट रुके थे, और हमने धुमाकोट में अपना जलपान किया, और दोस्तों वीडियो हो गई है बहुत लंबी, और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट दीवा का है वो अगले दिन आएगा, और फिलहाल ये पार्ट यहीं तक था, और अगले दिन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको भी देखना देखें आप, बहुत ज़रूरी है वो, मतलब बहुत अच्छा पार्ट है।